आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि झूठ बोले कौवा काटे, लेकिन क्या आपने सफेद कौवा देखा है? आप कहेंगे कौवा तो काला ही होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही सफेद कौवे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने शायद कभी सुना हो। आमतौर पर जो कौवा हमारे आसपास आते जाते हैं वो काले ही होते हैं और उन्हें अशुभ माना जाता है, लेकिन सफेद कौवे को अशुभ नहीं माना जाता। दंतवाड़ा में ऐसे कौवे को देखा गया है। इससे पहले साल 2017 में भी सतना में सफेद कौवे को देखा जा चुका है। आमतौर पर सफेद कौवे काफी कम ही नजर आते हैं, लेकिन कोरोना काल में ये दुर्लभ पक्षी कैमरे में कैद हो गया। कुछ लोगों को हमेशा से मानना होता है कि सफेद जानवर खास होते हैं, और कुछ लोगों का ये मानना है कि इन जानवरों में चमत्कारी गुण भी होते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि इन सफेद जानवरों को देख लेने से देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और जीवन भाग्यशाली हो जाता है। हालांकि कौवे का रंग बदला होने के पीछे वैज्ञानिक कारण है। सफेद कौवा भी दूसरे काले कौवों जैसा ही होता है, लेकिन अनुवांशिक दोष ल्यूसिज्म की वजह से कुछ कौवे का रंग सफेद हो जाता है। दुनिया में कौवे की कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनके शरीर पर कहीं ना कहीं सफेद धब्बा होता है। हालांकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कौवे के सफेद से काले होने की अलग कहानी है। मान्यताओं के अनुसार काफी समय पहले एक ऋषि ने एक सफेद कौवे को अमृत ढूंढने भेजा और उसे आदेश दिया कि वो सिर्फ अमृत की जानकारी लाकर दे, लेकिन उसे पीना नहीं। सालों की मेहनत के बाद सफेद कौवे ने अमृत को ढूंढ निकाला, लेकिन इतनी मेहनत के बाद उसे भी अमृत पीने की लालसा जागी। कौवे ने अमृत पी लिया और उसके बाद इसकी जानकारी साधु को दी। अमृत पीने की बात सुनकर साधु कौवे पर नाराज हो और उसे श्राप दिया कि वचन भंग करने के एवज में अपनी जिस अपवित्र चोंच से पवित्र अमृत को जूठा किया है, इसलिए लोग उससे घृणा करेंगे और अशुभ मानते हुए हमेशा उसकी बुराई करेंगे। साधु ने ये श्राप देते हुए सफेद कौवे को अपने कमंडल के काले पानी में डुबो दिया, जिसके बाद कौवे का रंग काला पड़ गया और तभी से कौवे का रंग काला हो गया। हालांकि सफेद कौवे को लेकर पक्षी विशेषज्ञों का मानना है कि लाखों कौवों में किसी एक का रंग सफेद होता है। नर्मदा नदी के किनारे बसे जिस गांव में यह सफेद कौवा देखा गया, वहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते 3 दिनों से वो कौवा आसपास घूम रहा है। जियोलॉजी के एक प्रोफेसर के मुताबिक एल्विनिज्म प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण कुछ कौवा मूल रंग से हट जाता है और सफेद रंग का पैदा हो जाता है। सफेद कौवे और ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलते हैं। इनके सफेद रंग की वजह से इन्हें अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। सबसे बड़ी वजह, काले कौवे इन्हें अपने ग्रुप्स में शामिल नहीं होने देते, वो इन्हें मारते हैं और इन्हें अपना पार्टनर भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है।